बिहार के सुपौल में दिन दहाड़े दो नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म की खबर सामने आई है। वहां अपराधियों ने दो नाबालिगों को बीच सड़क से अगवा कर दिन भर बंधक बनाए रखा, नशा खिलाकर रेप किया और फिर सड़क पर फेंक कर भाग गए। बेहोश हालत में नाबालिग लड़कियां सड़क पर घंटों पड़ी रही। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में उनका इलाज कराया। होश आने के बाद बच्चियों ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि कार सवारों ने उन्हें जबरन कार में बैठाया और रास्ते में ही उनके साथ दुष्कर्म किया। उधर मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हो गई है और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की कवायद में जुट गई है। प्यास लागली, हम दोनों करने के लिए पानी पी लगी, किसके पुल्ला का ही बर्तन पियला था, वो आदमी ही लगे नहीं रहे कि कैसे कार लगने रहे, तो हमारा कक्की करके अतः याद गया लिया ना, तो जबर से कार बैठा लगा मुँह में ललका आशे साल लगा कला का भर गए आई नहीं आई ना, तो हवा हमें नहीं लाल हम सुत रही है, तो एक भूजा के उदल के हमारा तो खेलिए खा के भूजा रू, तो एक नहीं लाल ना एक बाद में की कर लगे एक बहुत बेहोश भैया तक पुल्ला ले जाकर ढाक दिलका हमारा आर का भाग गए। गलत काम भी किया है कुछ? हाँ, अस्पताल में दो लड़की इलाजरत है जो रात में कहीं बेहोशी की हालत में पिपरा क्षेत्र में मिली थी, तो वहाँ से जो है सदर अस्पताल भेजा गया। वहाँ गए तो लड़की का इलाज हो चुका था, वो होश में थी, उसको लाए हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। क्या कुछ सुराग मिला अभी तक? अभी तक तो बयान पूरा नहीं हुआ है, फिर भी लग रहा है कि एक लड़की के साथ उसमें जो है गलत कुछ हुआ है।